वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर आज कांग्रेस ने देश भर में किसान अधिकार दिवस के जरिए प्रदर्शन करके केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने सभी राज्यों की राजधानियों में राजभवन का घेराव कर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने की कोशिश की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नए कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। ऐसे में कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सियासी पंडित सवाल भी खड़े कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार प्रदर्शन करने में कांग्रेस को देरी क्यों हुई। इसी पर आज की चर्चा को हम खास बनाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत है और गिरफ्तारी चाहे या कितने भी कर ले, कांग्रेस का कार्यकर्ता जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता अपनी लड़ाई को जारी रखेगा। कृषि कानून को वापस लेने को लेकर 51 दिनों से आंदोलनरत किसानों के पक्ष में आज पहली बार कांग्रेस के नेता सड़कों पर दिखे। कांग्रेस ने आज सभी राज्यों की राजधानियों में राजभवन का घेराव किया जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहली बार शुक्रवार को सड़कों पर दिखे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी आज देश भर में किसान अधिकार दिवस मना रही है। इसी अभियान के तहत दिल्ली में राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजनिवास तक प्रदर्शन किया। ये जो तीन कानून है ये किसान को खत्म करने के कानून है। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही, किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को ये बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये मौजूदा तीनों कृषि कानून किसानों को खत्म करने वाले हैं। इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के उन सांसदों से भी मुलाकात की जो जंतर मंतर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देश के बाकी राज्यों में भी कांग्रेस की सभी प्रदेश इकाइयों ने कृषि कानून के विरोध में अपने अपने राज्यों के राजभवन का घेराव किया। देहरादून में कांग्रेस ने अपने उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के नेतृत्व में राजभवन कूच किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना था कि जब तक केंद्र सरकार मौजूदा तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है कांग्रेस इसी तरह के प्रदर्शनों को करती रहेगी। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये निर्देश दिया है कि देश भर में राजभवन का घेराव किया जाए और तीनों काले कानून वापस लेने में किसानों के साथ हमें खड़ा होना है। वो हम खड़े हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, ठंड में बैठे हैं और पानी की बौछारें सह रहे हैं और उनके साथ जाति हो रही है कि इसलिए कि वो मांग कर रहे हैं। अन्नदाता अन्नदाता कहते बगैर भारत की सरकार, राज्य की सरकार थकती नहीं है। अन्नदाता पीड़ित है, सुसाइड नोट लिख रहा है। इसलिए कांग्रेस तो इस अभियान में पूरी तरह उनके साथ रहेगी। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेते तब तक हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देवेंद्र भसीन जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं दिल्ली से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं राकेश शुक्ला जी आपके पास ही आऊँगा क्योंकि बात किसानों की है और आप लगातार इसे कवर भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लगातार देख भी रहे हैं और लगातार हमारे साथ आप जुड़ भी रहे हैं। आज जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, क्योंकि अब शायद ऐसा लगा कि जरूरी हो गया था प्रदर्शन, बहुत दिनों से चल रहा था, ट्विटर चल रहा था, सोशल मीडिया चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब जाकर खुद राहुल गांधी सड़कों पर और उनके जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो भी सब सड़कों पर दिखे। कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर अभी तक रोक लगाई हुई है, सुनवाई चल रही है, डिसीजन आने वाला है, क्या आएगा तो समय बताएगा, तब इस तरीके के प्रदर्शन के मायने क्या, आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्ला जी,
मुझे लगता है जी शुक्ला जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। शुक्ला जी मेरी आवाज आ रही है आपको? शुक्ला जी मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है शुक्ला जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी भी हैं। देवेंद्र भसीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है भसीन साहब आपको? जी भसीन साहब, जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मामला किसानों का है, राजनीति तो होगी ही। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जी इस सारे मामले को अपने हाथ में ले लिया है जी, और इस पर अमल करने पर रोक भी लगा दी है जी, और साथ ही एक कमेटी बना दी है जी, तो ऐसे में ऐसे प्रदर्शन का औचित्य क्या है जी? मैं तो इसके औचित्य पर ही सवाल खड़े करना चाहूंगा जी, और कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहूंगा कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में लेकर के कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, तो आपके द्वारा किया गया प्रदर्शन सीधा सीधा क्या माननीय उच्चतम न्यायालय का अपमान नहीं है, उसके अवमानना नहीं है जी? और दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से कि आपने राजभवन कूच क्यों किया जी? राजभवन जो है वो राज्यपाल जी का शासकीय आवास होता है जी, और राज्यपाल जी राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि होते हैं जी, और राष्ट्रपति जी देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं जी, तो आपने आज जो राजभवन पर निशाना साधा है जी, तो सीधा मतलब ये है कि आप जो है सीधे तौर पर जो राष्ट्रपति जी पर भी प्रहार कर रहे हैं जी। ये दो बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्रपति जी और उनके प्रतिनिधि के नाते राज्यपाल जी जी, और साथ ही उच्चतम न्यायालय। आज आपने देश की जो सबसे बड़ी दो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको चुनौती दी है, उनका अपमान किया है जी। और ये अपने आप में एक बड़ा भारी सवाल है कि बार बार जितनी भी संवैधानिक व्यवस्थाएं देश में है आप उनपे सवाल खड़े कर देते हैं। कभी आप कहते हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ है, कभी एक का नाम कभी दूसरे का नाम, तो कांग्रेस की जो प्रवृत्ति हो गई है कि देश के संविधान की मूल व्यवस्था पर प्रहार करना, अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उच्चतम न्यायालय की बात को भी नहीं मानेंगे, उसका भी अपमान करेंगे। तो ये एक अपने आप में बड़ी भारी खतरनाक प्रवृत्ति कांग्रेस पैदा कर रही है जिसकी ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कांग्रेस को क्या याद नहीं है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कृषि कानूनों का वादा किया था कि हम ये कानून लाएंगे, और ये वीडियो सबके पास उपलब्ध है जब माननीय सोनिया जी के द्वारा भी इन कानूनों के बारे में बात की गई थी जी, और वो डॉक्यूमेंट भी है जो हमारे पास उसका कांग्रेस के घोषणा पत्र का है जी। अब जब ये कानून माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बना देती है तो क्या परेशानी है? क्या मोदी जी का विरोध करते करते आप इतने अधिक जो है दिशा भ्रमित हो गए हैं कि आप देश का विरोध करने लगे हैं, किसानों का हित की चिंता नहीं कर रहे हैं? किसान का नाम विरोध तो कांग्रेस ने आज किया है, किसान तो विरोध लगातार करते ही आ रहे हैं, उस चीज का कहीं ना कहीं चूक तो आपसे भी हुई है ना, क्योंकि अगर इतने दिन किसान बैठे हैं ऐसे में आप ये कहें कि कांग्रेस उस पर राजनीति ना करे तो क्यों ना करे? आखिर कांग्रेस विपक्ष का बड़ा दल है, करेगा ही राजनीति जी। भसीन साहब देखिए, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, इनके जो सुरजेवाला रोज आके भड़काऊ बयान देते हैं जी, लगातार अपने इनका राहुल जी का जो है बयान लगातार आता रहा है, कांग्रेस के नेताओं की पंजाब के कांग्रेस की पूरी सक्रिय भागीदारी है और परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री तक इसके अंदर सीधे सीधे इन्वॉल्व है जी। ये कहना कि कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया ये अपने आप में उचित नहीं है, चाहिए कि को भड़काने में जो मुख्य भूमिका वो कांग्रेस के लोगों की है। और एक मेरा सवाल और बड़ा है कि जब इस आंदोलन की आड़ में कुछ अलगाववादी तत्व खड़े हो जाते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बहुत अनाप शनाप बोलते हैं, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी नजर आती है? उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है जिस पर हमको रोक लगानी चाहिए, देश सबसे बड़ा होता है। जहां तक किसानों के हित की बात है तो क्या वो बात गलत थी जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही थी? क्या उन्होंने तब झूठ बोला था? क्या वो केवल छल कर रहे थे? अगर वो कानून उन्होंने पारित नहीं किए और मोदी जी ने कर दिए तो क्या परेशानी है? मूल बिंदु तो किसान का हित करने का है, और राजनीति केवल विरोध के नाम पर विरोध करना है तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता। कुछ बिंदु राजनीति से ऊपर के होते हैं, देश की सुरक्षा का हो, देश के विकास का हो, जनहित का हो, तो ये मामला
जनहित का है, किसान के हित का है, आप उसे भ्रमित कर रहे हैं। आप कहते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा, एमएसपी कहाँ समाप्त हो रहा है? आप कहते हैं मंडियां समाप्त हो जाएगी, कहाँ समाप्त हो रही हैं? तो झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। मेरा निवेदन ये है कि आज का जो आंदोलन इन्होंने किया है, निश्चित तौर पर उच्चतम न्यायालय पर भी इन्होंने एक प्रकार से अपमानजनक कार्य किया है। माननीय राष्ट्रपति जी के बारे में उनके प्रतिनिधि के आवास पर कूच करके राष्ट्रपति जी का अपमान भी किया है, और पूरी संवैधानिक व्यवस्था पर जो प्रहार करने की इनकी प्रवृत्ति है वो फिर उजागर होकर के सामने आई है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सवाल भी हैं। राकेश शुक्ला जी, आप तो लगातार सारी चीजें देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और लगातार जुड़ भी रहे हैं। आखिर शुरू से इस आंदोलन को हम देखते आ रहे हैं, आज अगर हम बात करें, आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई कि देश का सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, उच्चतम न्यायालय, जहाँ सबको जिस पर विश्वास है, वहाँ भी आज कोई विश्वास करने को तैयार नहीं हो रहा कि हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की राजनीति हो रही है। आज तो कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में बहुत सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अब क्या आवश्यकता थी आने की। दूसरी बात, अगर एक तरफ आप देखें तो दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि आखिर कांग्रेस इस पर राजनीति करें क्यों ना। मुद्दा तो है और मुद्दा उठाने का विपक्ष का काम भी है, ऐसी भाजपा भी करती है। उसके अलावा आखिर किसानों को समझाया कैसे जाए, इस पर बात करने को कोई भी शुरू से तैयार नहीं है। आप देखिए, हम लगातार इस बात को दिखा रहे हैं कि शुरू में मांगे कुछ और थी, बीच में वो मांगे कुछ और हुई और बाद में आकर मांग कुछ और हो गई। इसकी बकायदा सबके पास कवरेज भी है, वीडियो भी है। रही बात उसकी कि ये कह देना कि ये बिल तो कांग्रेस भी लेके आ रही थी, वो नहीं लेके आई, और वो नहीं लेके आई तो हम लेके आ गए, ये भी कोई खास बात नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस आती लाती नहीं करती, करती या ना करती, वो सब एक बात का है। और जब उन्होंने विरोध कर दिया तो ये अपने आप सिद्ध हो गया कि उनका बिल गलत था, और वो जो बिल का एजेंडा बना जो उनका पूरा का पूरा था वो भी गलत था। ये बात खुद कांग्रेसियों ने सिद्ध भी कर दी, तो उस पर बहस का भी कोई फायदा नहीं है। अब कैसे आप देखते हैं सारी राजनीति को, और आखिर किसान ही निशाना क्यों? जी किसान संजय जी निशाना नहीं है, किसान हथियार है, राजनीतिक हथियार बन गया किसान। अब हम शुरू से बात करें तो 2004 में जब जी शुक्ला जी बनी कांग्रेस के नेतृत्व में जब यूपीए गवर्नमेंट बनी, तो आप याद करिए कि उस समय पर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा बहुत सारे मुद्दों पे सवाल खड़े किए गए, और उसमें एक मुद्दा सीबीआई का भी था। और जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीबीआई की भूमिका पे सवाल खड़ा किया गया, तो यही कांग्रेस कहती थी कि किसी भी संवैधानिक संस्थान को विवाद उसकी भूमिका पे सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है या तो उस समय की दी हुई नसीहत है वो कांग्रेस भूल गई है, और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है उसकी बात को नहीं मानने के लिए, किसानों को नहीं मनाना, ये जताता है कि जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी थी उसी रूप में आप हैं, इसलिए आप सीख देने के लायक नहीं है। नंबर एक तो ये हो गया। दूसरा, अब आप जो बात किए कि ये आखिर कांग्रेस इस समय पर खुल के सामने क्यों आई, तो आपको मैं बता दूं कि पहले लोहे को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद उसपे चोट करके उसको अपने हिसाब से उसका औजार बनाया जाता है। तो आज कांग्रेस ने पिछले 40 दिनों में जो आंदोलन था किसानों को, उसमें गर्माहट पैदा करने का प्रयास किया अंदर से, और जब गर्माहट पूरे चरम पे पहुंच गई तो कांग्रेस खुल के उस गर्मी का, उस राजनीतिक तापमान का अपना फायदा लेने का प्रयास कर रही है। अब जो आप देखें कि इस आंदोलन का सबसे ज्यादा जो कांग्रेस शक्ति दिख रही है वो कहाँ दिख रही है, वो हरियाणा में दिख रही है। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस को एक संभावना दिखाई दे रही है कि हरियाणा में हम एक बार सत्ता के करीब पहुंच के लिए दूर हुए हैं, हम पुनः सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। इसीलिए और कहीं ना कहीं शुक्ला जी, हरियाणा और पंजाब मिला हुआ भी है, वहां दोनों तरफ एक तरफ सरकार है, एक तरफ उनका वजूद तो है, इसे भी नकार नहीं सकते। संजय जी मैं वही कह रहा हूँ कि भाई पंजाब में उनको जो अगला चुनाव होना है उसमें सत्ता बचानी है, और हरियाणा में जहाँ वो सत्ता से 2 कदम दूर रह गए वहाँ उनको सत्ता हासिल करना है। तो आप देखिए, किसान आंदोलन का जो सबसे ज्यादा गर्माहट आप देखेंगे वो हरियाणा और पंजाब में ही दिखाई देती है। आपके उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी हम पूरा नहीं कह सकते, एक छोटा सा हिस्सा जुड़ा हुआ है।
और इस पूरे आंदोलन में जो चेहरा दिखाई देता है वो राकेश टिकैत जी का दिखाई देता है। राकेश टिकैत जी के पिताजी वास्तव में एक किसान नेता थे और आज भी उनके वोट क्लब में किया गए आंदोलन को लोग याद करते हैं। जी। तो फिर पिछले कुछ समय से आप देखिए कि राकेश टिकैत जी भी राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे थे। जी। तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी, अजीत सिंह की पार्टी के साथ भी, कांग्रेस भाजपा के साथ भी, मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि शायद कांग्रेस का ये भी साथ मिल जाएगा तो हमें एक राजनीतिक ठोर मिल सकती है। इसलिए वो एक सूत्री एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हम सरकार से बात करेंगे लेकिन तीन कानून निरस्त करने के अलावा हमें और कोई रास्ता नहीं अपनाना। तो यदि आप बात करेंगे, अब बात करने के अलावा ये कहेंगे कि हम तीनों कानूनों को खत्म करने के अलावा और किसी शर्त पे राजी नहीं है तो रास्ता कैसे निकलेगा? फिर बातचीत तो बेनतीजा ही रहेगी। दूसरी बात, आज भी जो नौवें दौर की बातचीत हुई और उसमें ये कहा जा रहा कि वो बेनतीजा रही, तो नतीजा तब निकलेगा जब आप उसका मसौदा देंगे कि चर्चा किस पे होनी चाहिए। मुझे लगता है किसानों की तरफ से सरकार बार बार कह रही है कि आप अपने उन बिंदुओं को रेखांकित करिए जिस पे हम बात करें, उस पे हम सहमति बनाएं और जहां सरकार को पीछे हटना होगा, संशोधन करना होगा, वहां सरकार करेगी। अभी तक किसानों की तरफ से एक भी बिंदु नहीं सुझाए गए। तो दो बातें कही जाती हैं, एक तीनों कानून निरस्त हो, दूसरा MSP पे खत्म नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन दोनों बिंदुओं पर 9 दौर नहीं 19 दौर 99 दौर की संजय जी बातचीत हो जाए, किसानों के और सरकार के बीच में समाधान नहीं निकलेगा। और दूसरी बात, आपने एक और रास्ता अपना लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी से भी हम बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि आप इस मसले पर समाधान नहीं चाहते हैं, केवल इसको राजनीतिक अखाड़ा बना के रखा जाना चाहते हैं ये, और इसीलिए समाधान का कोई भी मार्ग खोल के नहीं रखे। जी, ये बहुत बड़ा सवाल आखिर शुक्ला जी ने उठाया है, अपने आप में बहुत ही अहम है कि आखिर अगर हम इस तरीके से करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और इसमें एक सवाल और भी आता है, हमारे साथ सचिन जी भी हैं, बुदोलिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सचिन जी, आखिर बात तो हर कोई कर रहा है वापस ले लिया जाए, बिल वापस हो, निरस्त हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी इस पर कोई बात नहीं करता। और आप देखिए कांग्रेस भी उस प्रक्रिया पर बात नहीं कर रही, समझाने की बात जो होनी चाहिए कि आखिर ये बिल अगर निरस्त होने की बात होती है तो कैसे होगा, कोर्ट सस्पेंड कर सकती है क्या, उसके अलावा अगर सदन ने पारित किया है तो उसके रास्ते कौन से हैं, उस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है और उस चीज को, उस प्रक्रिया को बताने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। ये भी यहां पर एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर इसके पीछे वास्तविकता क्या है, किस तरीके से ये वापिस होगा, किस तरीके से निरस्त होगा। ऐसे भी बहुत सारे सवाल है, खाली कह देना कि इसे निरस्त कर दो, खत्म कर दो, ये बहुत सारी चीजें हैं। राजनीति से अलग हटकर ये भी देखना चाहिए कि जो हमारा अन्नदाता है, जो किसान है, वो 52-53 दिन हो गए आज सड़कों पर है, पूरी सर्दी निकल गई, कहीं ना कहीं हमें उनके परिवार के लोगों के लिए भी सोचना चाहिए कि आखिर जिसे खेत में काम करना चाहिए था वो सड़कों पर क्यों बैठा है। उस पर अब क्या हुआ कि अब राजनीति जबरदस्त होनी शुरू हो गई और हर ओर होनी शुरू हो गई, क्योंकि सबको पता है कि जो किसान है वो बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। जी सचिन जी, ठीक कहा गोस्वामी जी आपने, जो पूरा सिनेरियो को अगर आप देखें जी कि आप क्या चल रहा है चारों तरफ जी, तो आप पाएंगे कि एक राज्य समाधान का ये है दिखाई नहीं दे रहा जी, चारों तरफ से जो है वो दिखाई दे रही है। एक बात इसको पहले समझनी पड़ेगी कि सरकार के तो पहले एक और हम पहले समझते हैं कि हम किसानों की तरफ चलते हैं। सरकारें बनती कैसे जी, सरकारें जनादेश से बनती हैं जी, एक बार 5 वर्ष में चुनाव होता है उसमें एक निर्णायक जनादेश आता है और जनादेश आने के बाद में जब सरकार पदारूढ़ होती है और वो अपना एक 5 वर्ष का जो उनका कार्यकाल है जी उनको मिलता है और 5 वर्ष के दौरान वो जो निर्णय लेते हैं जी वो जनादेश के तहत ही निर्णय माने जाते हैं और जनता के आदेश को ही मान करके उसको सारे फैसले करते हैं जी।
तो हर फैसला अगर कोई ये कहे कि हम एक एक फैसला और एक एक कानून जो है वो बार बार हम जनता में जाएं और चुनाव करा करके आए, वोटिंग करा करके आए और फिर हम फैसला बनाए, ये तो संभव हो नहीं सकता, ऐसे तो शासन चलते नहीं। तो यदि पार्लियामेंट में वो आया था, बिल आया था, वो बिल आया था तो उसमें सब लोगों ने क्या कहा था और क्या पक्ष लिया था और क्या उन्होंने चिंताएं जताई जी? किसानों का जो आंदोलन हुआ उसमें किसानों की जो भी अपनी समस्याएं रही हो, जो उनकी आशंकाएं रही हो जी, उनको अपनी आवाज उठाने का तो पूरा अधिकार है जी, और वो अपनी आवाज को उठा करके आंदोलन कर सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं, बात भी सही है जी। लेकिन इसका अंततः कोई भी समाधान जी तो बातचीत की मेज पर ही होता है जी। और बातचीत की मेज पर यदि थोड़ा एक पक्ष को जितना पड़ता है दूसरे पक्ष को भी कहीं ना कहीं एक अपना एक समाधान पर समझौते पर कहीं ना कहीं आना पड़ता है जी। कि एक पक्ष ये कह रहा है कि आप अपने इन तीनों कानूनों को उनकी क्या क्या क्लॉजेज में, किस प्रावधान में आपको क्या कमी लग रही है, उसमें कोई संशोधन करना है तो कृपया आप हमको वो मसौदा बता दीजिए जी, बता जी। हम समझौता कर रहे हैं तो फिर किसानों के पक्ष को ही वो अपना एक पूरा प्रारूप लेकर के आ जाना चाहिए कि हमको क्या पक्ष में क्या तकलीफ। वो सिंपली अगर एक ही चीज को लेकर के ये अगर पढ़ रहे हैं कि केवल कानून आप वापस कर लीजिए और वो ये नहीं बता पा रहे थे यदि कि उनको किस प्रावधान से किस प्रकार की क्या तकलीफ हो रही है, तो ये देश के लिए उन्हें तो अच्छा संदेश तो नहीं आ रहा। हम नहीं चाहते, हम सरकार का पक्ष भी नहीं ले रहे, लेकिन उसमें कई चीजें थी जो हमको भी लगता था कि जाकर के कि ये वाली शायद चीज विवादास्पद हो सकती है आगे आने वाले। अगर विवाद है उसके ऊपर तो कृषि मंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सभी ने अलग अलग जगह जाकर के उन्होंने बड़े मतलब जेनरसली जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें संशोधन कर देंगे। मसला था एमएसपी का, भाई एमएसपी में खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा हम लिखित में, पहले मांग की गई कि लिखित में आप दे दीजिए, उन्होंने कहा हम लिखित में गारंटी दे सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई ये मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो उसका मंडियां बिल्कुल खत्म नहीं होंगी। और ये कानून बनने के बाद ही अगर आप देखेंगे कि पंजाब में और उसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीदारी है मिट्टी पर, तो ये सब सारी चीजें हो रही हैं। तो बातचीत का देखिए ग्राउंड तो है, आप बातचीत कर लीजिए और एक समझौते के ऊपर पहुंच जाइए। एमएसपी के ऊपर भी अगर वो कुछ आपको आश्वासन दे रहे हैं, उस पर गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटी आप ले लीजिए जी। लेकिन कम से कम ये चीज कानून आप वापस ले लीजिए। ये देखिए पार्लियामेंट की अवमानना है, ये संसद की अवमानना जी, लोकतंत्र भी ये तरह के से नहीं चला करती जी। कांग्रेस पार्टी तो बहुत अच्छे से शासन में रही है, अब वो लोग चाहेंगे तो यदि वो कह सकते हैं जाकर के भाई समझौते को आप कम से कम बात करिए, कांग्रेस पार्टी को मध्यस्थता करके एक समझौता करवा देना चाहिए जी। नहीं, समझौते की बात तो बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन समझौता हो कहाँ रहा है सचिन जी? समझौता तो कोई करने को तैयार नहीं है। मथुरा दत्त जोशी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं, तो क्योंकि आज आपने एक बड़ा आंदोलन किया, उस आंदोलन में अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो वहाँ आपसी विवाद भी चरम पर सामने देखने को आए, वो चलिए अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारे सवाल हमारे भसीन साहब ने भी खड़े किए हैं, उसके अलावा राकेश शुक्ला जी ने भी बहुत कुछ बताया, सचिन जी भी कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जी? देखिए परविंदर जी, मैं तो ये कहूंगा कि दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का जी, जिस तरीके से आज लगभग लगभग आज किसानों को 52-53 दिन हो गए हैं सड़कों पर अन्नदाता जी, जिसने इस प्रदेश इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जी, अन्न के क्षेत्र में जी, आज वो अपने लिए भीख मांगने के लिए खड़ा है जी, और सरकार को कह रहा है कि ये कानून आपने जो बनाए हैं ये कानून गलत बने हैं जी, और इन कानूनों में आप कुछ न कुछ करिए, अगर वापस या तो वापस लीजिए और वापस नहीं लेते हैं तो संशोधन करिए। चलिए वो भी नहीं हो रहा है, न वापस लेने की बात हो रही न संशोधन की बात हो रही, अंततोगत्वा माननीय उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। हस्तक्षेप करने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक किसान आंदोलन समाप्त तो नहीं हो जाता है, और एक कमेटी बना दी, वो कमेटी भी केवल सरकारी आदमी की कमेटी बनी, वो कमेटी भी ऐसी है कि वो सरकार ने प्रस्तावित की है, वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी जो नाम दिए गए हैं जिसमें किसानों को आपत्ति है वो भी सरकार की तरफ से प्रस्तुत की गई, वो कमेटी बनी, उसके बाद
किसानों से या उनकी कोई राय या उनसे कोई बात सरकार ने अभी तक नहीं की। 8 या 9 राउंड की बात होगी, समझौता नहीं हो रहा है। देखिए, जहां तक हमारा सवाल है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी ने न कभी किसानों के नाम पर राजनीति की है, न भविष्य में कभी राजनीति करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के तरह दोगली बात नहीं करते हैं, जो कहेंगे बिल्कुल साफ कहेंगे, हम उससे बाहर कहीं नहीं जाते हैं। हमने न आंदोलन को हमने न आंदोलन को भड़काया, लेकिन हम एक बात जरूर कह रहे हैं कि किसानों की आवाज को सरकार दबाने का काम कर रही है, किसानों के हितों पर सरकार कुठाराघात कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आप आजादी से पहले का इतिहास ले लीजिए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे गोविंद वल्लभ पंत हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, हमारे नेताओं ने किसानों के हित में जबरदस्त आंदोलन ब्रिटिश पीरियड में भी किया है। उनके समर्थन में, किसानों के समर्थन में जब देश गुलाम था तब भी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किए हैं और आज भी कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। जहां तक आपका सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया और अब जरूरत क्या थी, मैं यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हमारा कोई कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद नहीं का है। ये हमारा कम से कम 15 दिन पहले का कार्यक्रम है। हमने तय कर दिया था कि हम 15 तारीख को राजभवन का घेराव करेंगे। राजभवन का घेराव करने का भी एक इसलिए घेराव राजभवन का कर रहे हैं कि राज्यपाल संवैधानिक संस्था के प्रमुख है अभी भसीन साहब, बड़े विद्वान आदमी है और हमारे बहुत बड़े प्रतिष्ठित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पद से रिटायर हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इससे पहले भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राहुल जी के नेतृत्व में, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया था, कांग्रेस के 3-4 लोग राष्ट्रपति महोदय से मिलकर ज्ञापन दिया है कि सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे और जो किसान बात कर रहे हैं उस बात को सरकार माने और इन बिलों को सरकार वापस ले और उसके बाद आगे की बात करे, पहले किसान प्रतिनिधियों से बात हो जाए। एक बात आपको मैं महत्वपूर्ण बात बताऊं, पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और पीक में कोरोना था जून के महीने में इन्होंने विधेयक के द्वारा विधेयक लाकर अध्यादेश लाकर बिल अध्यादेश लाए ये कृषि कानून लागू करने के लिए, फिर पार्लियामेंट में इन्होंने पारित कराया। सरकार को इतनी जल्दी क्या है कृषि कानून में सुधार करने की, इस बात का जवाब सरकार नहीं दे रही है। जब किसान विरोध में है, सारे विपक्षी दल विरोध में है, देश की जनता विरोध में है, तो क्यों सरकार इसको, इन कानूनों को जल्दीबाजी में लागू करना चाहती है? पार्लियामेंट में कानून आए, हमारे विद्वान पैनलिस्ट बैठे, मैं सबको बहुत इत्मीनान से सुन रहा था कि मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि पार्लियामेंट में जब डिस्कशन ही नहीं हुआ, भाई बिल आपके प्रवर समिति में चले जाते अगर उसमें विवाद होता, तो कई संवैधानिक अन्य बातें भी थी, उसमें भी कोई कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती बाय हुक एंड क्रूक आपने बिल पारित करा दिए। ठीक है, आपने कहा कि हम तो लागू कर रहे हैं, आप करिए लागू। आपने देख लिया कि देश में क्या स्थिति हो रही है, जहां ये हरियाणा और पंजाब का सवाल नहीं है, महाराष्ट्र का किसान क्यों हड़ताल में आ गया है, मध्य प्रदेश का किसान क्यों दिल्ली आ रहा है, गुजरात का किसान क्यों दिल्ली आ रहा है, आपका तमिलनाडु का किसान, आंध्र प्रदेश का किसान, तेलंगाना का किसान क्यों दिल्ली आ रहा है, ये कोई पंजाब और हरियाणा का सवाल नहीं है। जोशी जी, एक बात, क्योंकि बात बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पास से मैं वापस भी आऊंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आपके बीच। एक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चल ना यार, रेडियो ऑन, धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, TVS रेडियो ऑन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। हाँ, ले सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियो, स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। हर में आएगी खुशियां जब तक।
अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्को मोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाबी खाने का तड़का हो या फिर हो मुगलई खाने की खुशबू, पहाड़ी दाल का जायका हो या फिर हो दक्षिण का डोसा, बाल मिठाई की मिठास हो या हो मनपसंद रसगुल्ले की बात, किस दुकान की रेसिपी में क्या है स्वाद का राज, हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। कहां क्या है खास, देखिए हमारे साथ चटोरी टीना सिर्फ नेटवर्क 10 पर। वृंदावन में चटकारा चाट चौपाटी, शुद्ध देसी घी से बनी चाट, बैठने की उत्तम व्यवस्था, बाके बिहारी मंदिर के पास लीजिए चटकारे का स्वाद। हमें भेजिए गांव की वास्तविक तस्वीर, नेटवर्क 10 पूछेगा सवाल सीधे जिम्मेदारों से, आपके गांव की सरकारों से। नेटवर्क 10 के साथ बनिए ग्रामीण भारत के ग्रामीण रिपोर्टर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711866356। देखना न भूले ग्रामीण भारत सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं किसान आंदोलन और कांग्रेस का प्रदर्शन। जी हां, पूरे देश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसी पर बहुत सारे राजनीति भी आज हो रही है, उसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं राकेश शुक्ला जी आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि बातें बहुत सारी चल रही हैं, मथुरादत्त जोशी जी ने बहुत सारी बातें बताई और बाद में देवेंद्र भसीन साहब आप इसे सब चीज़ों का एक मैं कहूँगा अंत में आपसे लूँगा। अब बात यह है क्योंकि बातें सब कर रहे हैं, शुक्ला जी आप भी देख रहे हैं, मथुरादत्त जोशी जी ने भी बहुत सारी बातें बताई, सचिन जी ने भी बताई, लेकिन आखिर बिल वापस कैसे होगा इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। अपने यहाँ आप बिल क्यों लेके आए इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसी बातें भी तो आनी चाहिए ना कि समझाएगा कौन, खाली भड़काने की बात करेंगे तो समझाएगा कौन, विपक्ष का काम समझाने का भी है। अच्छी बात है कि आप किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाइए, लेकिन साथ में समाधान कैसे निकले उस पर भी बात होनी चाहिए। जी शुक्ला जी, सबसे बड़ा जो सवाल आपने खड़ा किया है वो सच्चाई है कि बिल वापस होगा कैसे। जी अब सरकार तो वापस करने से रही, क्योंकि अब यहाँ पे जो लड़ाई आ गई है वो लड़ाई आ गई है कि सरकार जी, जी, वापस ले। मथुरादत्त जी मैं आपके पास भी आऊंगा, जी शुक्ला जी के बाद आपके पास आऊंगा। जी जी तो अब लड़ाई इस बात की शुरू हो गई है संजय जी, जी मेरी बात विपक्ष चाहता है। इसके बाद सीधा आपके पास आ रहा हूँ मथुरादत्त जोशी जी। जी राकेश शुक्ला जी बोलिए। जी बिल वापस करने का कदम सरकार उठाती है तो विपक्ष को एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत मिलेगी जी। और राजनीतिक जीत ये मिलेगी कि वो ये 2014 से लेके 2020 तक जो ये कोशिश सदैव चलती रही है विपक्ष की तरफ से कि नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदम को हम साबित कर दे कि वो गलत कदम उठाते हैं, और ये बिल वापस होने का मतलब है कि विपक्ष की एक बड़ी जीत ये होगी कि हम जो 14 से लेके अभी तक कहते आए हैं वो बात सच साबित हुई। अब रही बात सरकार के बिल वापसी को लेके, तो मेरा बड़ा विनम्रता के साथ एक निवेदन ये है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सांसद हैं। जी इसके अलावा उनके जो सहयोगी हैं उनको मिला के हम मानते हैं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत था और वो बिल को पारित करा लिए। जी लेकिन राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था, उसके बाद ये बिल कैसे पारित हुआ जी। और उस पे विरोध करने की बजाय और सारे विपक्षी दलों को एक मंच पे लाने की बजाय, एक छाता के नीचे लाने की बजाय वॉकआउट का रास्ता क्यों अपनाता है विपक्ष जी। जो मुद्दा
तीन तलाक का मुद्दा आता है तो आप न समर्थन में जा सकते न विरोध में जा सकते, तो आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं? सदन के बहिर्गमन का। धारा 370 का मुद्दा आता है तो ना आप विरोध कर सकते ना आप समर्थन कर सकते, तो आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं? बहिर्गमन का। तो ये कहते हैं कि हर जगह विपक्ष वॉकआउट का रास्ता क्यों अपनाता है, लड़ने का रास्ता क्यों नहीं अपनाता? क्योंकि उसकी समझ थी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो तीन कानून कृषि संबंधी लाए जा रहे हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं, वो देश की कृषि व्यवस्था को नष्ट करने वाले हैं, वो किसानों के जीवन को खराब करने वाले हैं, जमीन को खराब करने वाले हैं। तो मैं ये बिल्कुल विनम्रता से निवेदन करता हूं कि पार्लियामेंट में जब ये कानून पारित हो रहा था तो उस समय पर मजबूती के साथ इसका विरोध क्यों नहीं किया गया? हाँ, बिल्कुल। और राकेश शुक्ला जी एक बात और है इसमें, आप देखिए कि अगर पूरा विपक्ष उसी दिन राज्यसभा से वॉकआउट कर बाहर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पूरे किसानों से अपील करता कि हमारे सामने ये बेकार एक बिल आया है, इसमें आपका अहित है और हम सारे आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग जाग जाइए, ये बिल गलत है, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं हुआ, आंदोलन भी बहुत दिनों बाद शुरू हुआ और शर्तें बार बार बदलती गई। जी मैं वही कह रहा हूं कि आप बार बार जो है जब आपको मौका था कहने के लिए तब आप नहीं बोले, तब आपको ये लगा कि ये बिल पारित हो जाए क्योंकि इसको हम बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना पाएंगे जी, क्योंकि इससे पहले आप जिन जिन मुद्दों को आपने खुद टच किया सरकार के खिलाफ वो मुद्दे आपका ही हाथ जला बैठे जी, इसलिए आपको लगा कि ये किसान बिल का मुद्दा हमारे लिए स्पार्किंग नहीं होगा, राजनीतिक ऊर्जा पैदा करने वाला नहीं होगा, तो आप शांत रहे। लेकिन जब आपको लगा कि पंजाब की तरफ से कुछ किसानों में सुगबुगाहट हुई तो कांग्रेस नींद से जागी और उसको लगा कि नहीं इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं स्पार्किंग पैदा की जा सकती है जी। मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में संजय जी नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यदि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई जाए, और मैं कहता हूँ रचनात्मक मत निभाइए, आप मूल विपक्ष की भूमिका निभाने के यदि मनसा रखते तो मुझे लगता है ये कानून पार्लियामेंट से पारित नहीं होता जी। और जब पारित नहीं होता तो आप सरकार को जो आज दिखाना चाह रहे हो कि वो सरकार कमजोर बिल लाई है और सरकार को आप जो अपराजित दिखाना चाह रहे हो तो आप तो उसको पार्लियामेंट में ही अपराजित कर देते जी। तो सितंबर में जो पार्लियामेंट में बिल पारित हुआ उस पारित बिल के लिए एक इतनी लंबी अवधि बीतने के बाद अब वो बिल वापस हो और सिर्फ एक सूत्री एजेंडा है कि बिल वापस होने के अलावा हम और कोई बातचीत नहीं करेंगे, हमें कोई शर्त मंजूर नहीं है। मुझे लगता है ये विशुद्ध तौर पे राजनीति है, क्योंकि यदि किसानों के हित का मुद्दा है तो मुझे लगता है बिल में वो सारे प्रावधान हटाने का दबाव बनाना चाहिए कांग्रेस को या जो भी राजनीतिक दल इसके खिलाफ आंदोलन में शामिल हैं, उनको इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि ये पांच बिंदु किसानों के लिए अहितकारी हैं, सरकार इनको हटाए। सरकार तो MSP पे लिख के देने को तैयार है कि MSP हम खत्म नहीं कर रहे, तो मानने को राजी नहीं है। सरकार कह रही है कि आप उन बिंदुओं को रेखांकित करिए जो किसानों के लिए अहितकारी हैं, आपने आज तक एक बिंदु रेखांकित नहीं किया। 50 दिन से आंदोलन सिर्फ इस बात के लिए चल रहा है कि ये तीनों बिल वापस हो, यानी ये बिल वापस कराने की जिद इस वजह से है 2014 से 19 तक, और ये लग गया है 20 खत्म हुआ 21 लग गया है, आप जिन 6 सालों में सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसा ठोस कार्य नहीं कर पाए, इन बिलों के जरिए आप ये दिखाना चाहते हैं कि केंद्र के नेतृत्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गलत निर्णय लिया। नहीं बिल्कुल, मैं इसी पे मथुरा दत्त जोशी जी, बहुत सारे सवाल शुक्ला जी ने उठाए, अब एक एक करके जवाब दे दीजिए और एक जवाब और भी दीजिएगा मथुरा दत्त जोशी जी की, देर क्यों हुई आखिर? वो कहते हैं ना बहुत देर कर दी हजूर आते आते, तो बहुत देर तो हुई है, बहुत दिनों बाद आखिर, अब जब कहते हैं ना लोहा गर्म था तो चोट कर दी जाए, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। जी जोशी जी, देखिए देखिए मेरा शुक्ला जी से बहुत कोई परिचय ऐसा नहीं है जी, लेकिन मैंने उनकी बात, चलिए मैं बता देता हूँ, शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में एक जाना पहचाना नाम है जी। मैं वही आ रहा हूँ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, विद्वान आदमी है, वरिष्ठ पत्रकार है जी, और जो मैंने उनको सुना, मैंने पहले भी सुना और अभी भी सुना, उनकी जानकारी बिल्कुल पुख्ता है और वो बिल्कुल बात जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं शुक्ला जी से ही पूछना चाहूंगा जी, जहां तक कानून वापस लेने की बात है या MSP की बात, शुक्ला जी बार बार कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि हम लिख के दे देंगे
जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार लिख के देने की बात कर रही है, आनन फानन में अध्यादेश के जरिए अगर 3 कानून लागू हो सकते हैं, तो सरकार अगर आंदोलन को खत्म करना चाहती है, किसानों के हित में निर्णय लेना चाहती है, किसानों का भला करना चाहती है, तो क्यों नहीं किसान तो ये करे हमको एमएसपी की गारंटी दीजिए, क्यों नहीं कानून बना दे, कल अध्यादेश जारी कर दे जी। अगर सरकार संवेदनशील है जी, सरकार गंभीर है जी, तो एमएसपी का कल कानून जारी कर देगी जी, तो क्या फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा जोशी जी? मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता आंदोलन खत्म होगा कि नहीं होगा, मैं इस परिचर्चा में जो सवाल खड़ा हुआ है मैं उसकी बात कह रहा हूँ। अगर सरकार आनंद फानंद में 3 अध्यादेश जारी करके जी, कृषि कानून में काले कानून जिसको सुधार की बात करती है, जिसको सारी दुनिया काले कानून कह रही है वो लागू कर सकती है, वो एमएसपी की गारंटी का कानून सरकार भाई अध्यादेश के लिए ला रही है जी। एक बात, दूसरी बात मैं उनको दिलाऊं, उन्होंने एक बात कही कि पार्लियामेंट की बात है, लोकसभा में ठीक है सरकार का बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं था सरकार का। आपको याद होगा कि कांग्रेस के 8 सांसद एक सुनियोजित तरीके से 3 दिन पहले सस्पेंड कर दिए गए, उनको पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग नहीं लेने दिया और अपना बहुमत बनाया सरकार ने पिछले दरवाजे जैसे राज्यसभा में षड्यंत्र करके बिल पारित कराया। एक बात जी, दूसरी जो आपने कहा कि कांग्रेस ने देर कैसे कर दी, कांग्रेस ने कोई देर नहीं की जी। आपने देखा होगा कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी ने बार बार कहा कि ये सरकार किसानों के हितों को गिरवी रखने जा रही है जी, किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रही है जी। और आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर रैली तक निकाली की हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल जी, हरीश रावत जी भी उसमें थे, अमरिंदर सिंह जी भी उसमें थे जी, उसमें वो भी थे। कुछ ही दिन पहले जी, नहीं कुछ दिन पहले नहीं, ये तभी की बात है जैसे कुछ दिन पहले की जी। नहीं परविंदर जी, मैं बिल्कुल आपको डेट भी दे दूंगा जी, वो सब की बात है, बिल आने के तत्काल बाद आंदोलन किए कांग्रेस ने और आज भी आंदोलन कर रही है कांग्रेस, नहीं आंदोलन नहीं रहेगी। लेकिन सरकार अधर्मी सरकार है, सरकार घमंड में चूर है, 3-3, 4-4 मंत्री बैठते हैं, अगर वो फैसला नहीं कर सकते हैं जी, वो किसकी राह देख रहे हैं, किसके उसमें बात कर रहे हैं। एक बात आपको भी टिकट यहाँ पर गिदर आया, आपको 88 में ले जाना चाहूंगा, दिल बहादुर जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर में आंदोलन चल रहा था टिकट जी के गाँव में जी, राजीव जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, भसीन साहब तब हमारे साथी थे, भसीन साहब को अच्छी तरह याद होगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को टिकैत जी के गांव भेजा और अपनी धूप में मुख्यमंत्री खड़े रहे और किसानों की बात सुनी, लेकिन समझौता नहीं हो पाया, तो अंततो गत्वा तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, आपका इंतजार 305 का है, कांग्रेस के पास 405 का बहुमत था, उन्होंने किसानों को दिल्ली बुलाया और किसानों से बात की, उनकी समस्या का समाधान किया था टिकैत जी के समय में। क्या आज प्रधानमंत्री जी 52 दिन से सोए हैं, क्या वो किसान प्रतिनिधि से बात नहीं कर सकते जी? 40 संगठन इनके हैं, अगर 40 आदमी को बुलाकर भी बात होती जी, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता और किसान दिल्ली को घेरे हुए नहीं रहते, चारों तरफ से किसानों ने दिल्ली में घेरा है, किसी राजनीतिक दल ने नहीं घेरा है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, विपक्षी दलों का वो आंदोलन करेंगे जी, हम आंदोलन करेंगे, हम किसानों के समर्थन की बात करेंगे, लेकिन आंदोलन किसान कर रहा है, इस देश का अन्नदाता कर रहा है, जो इस देश में अन्न पैदा करके लाखों करोड़ों लोगों को, जहां आज मोदी जी कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, आप फ्री में अनाज बांट रहे हो इस कोरोना काल में भी, ये भी उन्हीं किसानों की देन है, उस अन्नदाता की देन है, तब आप अनाज बांट रहे हो, आज उसकी नहीं सुन रहे हो। प्रधानमंत्री जी बात कर ले तो जोशी जी, बिल्कुल एक सवाल आपसे ले रहा हूँ जोशी जी, एक सवाल आपसे ले रहा हूँ कि आखिर क्या कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं है? किसानों की बात अलग है, किसान तो किसान है, अन्नदाता है, वो कुछ भी कह सकता है, देश में आजाद है क्योंकि वो पेट पालता है, वो कह सकता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है विश्वास, वो कह सकता है कुछ भी। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, क्योंकि बात यहाँ ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि न्यायपालिका के ऊपर भी बहुत सारी हमारा हम कहेंगे विश्वास है, उसे लेकर भी विपक्ष का भी कर्तव्य है, उस पर भी बात होनी चाहिए जी। हमारा हम जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है जी, जो एक विपक्ष का कर्तव्य है जी, हम उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं
जी बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं, आप किसानों की बात सुनिए जी और किसानों से बात करिए जी, किसान जो कह रहा है उसको सुनिए, उनकी समस्या का समाधान करिए। हम बार बार प्रधानमंत्री जी को भी कह रहे हैं, सरकार को भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी कह रहे हैं जी। जहाँ तक आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की विश्वास की बात, हमारा पूर्ण विश्वास है जी, हमने न सुप्रीम कोर्ट पे हम गए न हमने सुप्रीम कोर्ट की बात का उल्लंघन किया जी। हमारा जो आज का कार्यक्रम है जिस पर आपने सवाल खड़ा किया जी, ये हमारा 15 दिन पुराना कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम नहीं है, हमने पहले ही अपना कार्यक्रम अनाउंस कर रखा था जी। आप के ना जब सरकार नहीं करेगी तो किस पे जाएंगे जी, जो सरकार का मुखिया है गवर्नर और राष्ट्रपति उस पर जाएंगे, वहाँ का भी दरवाजा था, हमारी पार्टी ने खटखटाया है किसानों के हित में जी। हमने सभी किसानों के हित की बात नहीं की, किसान इतना ही तो कह रहा आप स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट, अगर ये सरकार गंभीर होती संवेदनशील होती ये सरकार किसानों के हित में काम करना चाहती तो क्या स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर रही जी, क्यों दबा के रखी है स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट जी। बात वो तो हमेशा किसानों की बहुत सारी चीजें दबी हुई हैं जोशी जी, इस बात पे जाएंगे तो बहुत सारी सरकारें आपकी भी रही है, किसान तो इसी स्थिति में रहा है क्योंकि समय कम है। जोशी जी मैं अब क्योंकि भसीन साहब बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं भसीन जी को गुस्सा ना आ जाए तो मैं उनके पास भी चले चलता हूँ, वो जवाब भी दे देंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि आखिर विपक्ष करे क्यों ना। भसीन साहब ये भी एक बात है कि विपक्ष करे क्यों ना, विपक्ष आंदोलन भी करेगा, आखिर अगर कुछ गलत हो रहा है और ऐसा चाहे वो 10 लोगों के साथ हो रहा है चाहे 20 के साथ है और चाहे 1000 के साथ है, विपक्ष का काम है खड़े होने का। तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, एक एक करके भसीन साहब अब जवाब दीजिए जी। इस बिल पर देश के अंदर पिछले लंबे समय से बहस हो रही है जी, और यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी कृषि सुधारों के पक्ष में थे। एक बात, शरद यादव जी जिस समय शरद पवार जी जिस समय कृषि मंत्री थे जी, जो उनका पत्र था पूरे राज्यों को वो मथुरा दत्त जोशी जी की जानकारी में जरूर होगा। तीसरा, इनकी ही जो समय अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनका वीडियो हम सबके पास आपके पास भी है, वो किस प्रकार से कृषि कानून के हिमायत कर रही हैं, उसका समर्थन कर रही हैं जो आज मोदी जी ने पारित कर दिया। चौथी बात, कांग्रेस ने अपने पिछले लोकसभा के चुनाव में इन घोषणा पत्र में शामिल किया था, ये भूल क्यों गए? तो ये पूरी जो चर्चा है पहले भी होती रही देश के अंदर और वर्तमान में भी होने के बाद ये बिल पारित किया गया। एक बात, दूसरी बात, अभी जो मथुरा दत्त जी कह रहे थे कि हमारे कुछ लोग मिलने के लिए गए थे कहाँ राष्ट्रपति जी को, हमने कभी आपत्ति नहीं करी, आप मिल सकते हैं, मिलना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन राजभवन कूच करके प्रदर्शन करके तो आप ये दिखा रहे हैं हमारी बात को मानो नहीं तो हम ये आपको घेर लेंगे जी। ये राष्ट्रपति जी को घेरने के जो धमकी वाला कृत्य किया कांग्रेस ने ये निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। जो हमारे मित्र ने कहा मथुरा दत्त जी ने अपनी पार्टी की बात को उनको रखना है, मैं उनकी विद्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े करना चाहता, लेकिन मैं जरूर करना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में इन्होंने बात कही है जी, ये निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब मामले को हाथ में ले लिया गया है तो उसके बाद इनको उसमें नहीं करना चाहिए था। और चौथी बात मैं ये कहना चाहूँ कि अभी जो MSP की गारंटी की बात है सरकार ने कही है, मथुरा जी को स्पष्ट होगा कि हमने कहा है कि हम गारंटी देने को तैयार हैं और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि आप आइए बिल के हर क्लॉज पर हमसे बात करिए, हम हर क्लॉज पर बात करने को तैयार हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक बात जो रखी बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण है कि जब मंत्री जी से बैठक शुरू होती है तो जो किसानों के प्रतिनिधि के नाते लोग मौजूद है वो अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर के जाते हैं यस और नो, यानी कि आप जो है या तो हमारी बात को मान लीजिए हम बात ही नहीं करेंगे आपसे। अगर ये एटीट्यूड रहता है तो निश्चित तौर पर ये बात में बाधक होती है। और जो भी हमारे विद्वान पत्रकार मित्र जो बात कर रहे थे बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे थे जी, कि अंततः अगर MSP की गारंटी मिल रही है, हम मंडियां समाप्त नहीं कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने के लिए आपको अपना वो देना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। आप कुछ देना भी नहीं चाहते ना, क्लॉज टू क्लॉज बातचीत करने को तैयार है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप केवल चीज को उलझा के रखना चाहते हैं। ये एक प्री कंडीशन लगाना कि हम पहले बिल वापस दिए जाएं, समाप्त किए जाएं, तो बातचीत नहीं होती है। लोकतंत्र में क्लॉज टू क्लॉज बात होती है, जो आपत्तिजनक बात है वो विचार हो सकता है, जो सही है उसको माना जाए, क्योंकि अंततः ये बिल किसानों के हित में है। और दूसरी बात, जो भी दृश्य दिखाया जा रहा है कि पूरे देश का किसान उद्वेलित है, कहीं नहीं है। अभी जो बात आ रही थी कि पंजाब और हरियाणा का भी एक सेक्शन है,
जी। आपकी जानकारी में जरूर होगा कि सारा किसान उद्वेलित नहीं है जी, और वो भी भ्रमित किया गया है, उसको ये डराया गया है कि आपकी एमएसपी समाप्त हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी, आप दर दर की ठोकरे खाएंगे, उसको अडानी अंबानी का डर दिखाया जा रहा है जबकि सच्चाइयां बिल्कुल दूसरी हैं। और वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, वो कई बोले भोले भाले किसान कह रहे हैं कि हम तो इसलिए आ गए कि हमारा रेताइयां आ गया, उनको पता ही नहीं है। और जब ये राहुल जी की बात कह रहे थे हमारे मित्र, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, राहुल जी को 3 बिल कौन से हैं, ईमानदारी की बात है भाई, ये भी पता नहीं होगा। मतलब केवल जो उनको फीड कर दिया जाता है वो उसके बाद आगे बोल देते हैं और उसके बाद फिर छुट्टी बनाने चले जाते हैं। तो ये जो गंभीरता विहीन कांग्रेस, भ्रमित कांग्रेस है, वो देश में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है जी। और बाकी जो बात कही गई कि जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, एक से एक बड़ा काम हुआ, एक से एक बड़े जो है निर्णय लिए गए, और विपक्ष जो है वो भ्रमित होकर के विखंडित भी है। कांग्रेस तो और अपने आप पे टूट रही है। आज जो हरीश रावत जी का जिक्र भी हो रहा था, हरीश रावत जी आज के उसमें प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, ये जानकारी मथुरा दत्त जी को तो निश्चित होगी ही होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस का जो ये इस समय एटीट्यूड बन गया है, ये पर हर संवैधानिक संस्था पर प्रहार करते हैं। चुनाव हार जाएंगे तो बोलेंगे ईवीएम ने गड़बड़ कर दिया, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो बोलेंगे परमाणु। चलिए सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं भसीन साहब, आप लोग भी ऐसे सवाल खड़े करते थे, कांग्रेस भी ऐसे सवाल खड़े कर रही है। मैं भसीन साहब सचिन के पास भी जाता हूँ क्योंकि 2 मिनट रह गई है। सचिन, आखिर समाधान कैसे निकले? आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, बात किसानों की है जी। जी, हमने ये चीज देखिए पहले भी कही है कि समाधान के लिए जब आपके पास में उनकी आपकी जो बुनियादी मांगे हैं जी, जब सरकार ने उन बुनियादी मांगों को लेकर के एक फ्लेक्सिबल, एक लचीला रुख आपके सामने दिखाया है, तो अभी जैसे बात कर रहे थे, ज्योति साहब की बात कर रहे थे जी, आप कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं सरकार एक अध्यादेश ले आती, ज्योति साहब ने कहा। तो जोशी साहब, कांग्रेस पार्टी इस चीज की डिमांड करे कि भाई आप एक बिल लेकर के आइए या आप एक कानून बनाइए जिसमें एमएसपी की गारंटी हो। इसी प्रकार की आप राजनीतिक मांगे तो कम से कम सामने अपना रखें, वो भी रखें। आपने कहा कि भाई सरकार बात नहीं कर रही, तो देखिए कोई मोनोलॉग नहीं है, डायलॉग होता है तो दोनों पक्ष बात कहते हैं अपनी, और दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। आप केवल यस और नो के अगर पोस्टर लेकर के जाएंगे तो फिर यानी कि वो फिर डायलॉग नहीं बनता वहां पर जी। आप सीधी सीधी बात ये है, अपने उन पॉइंट्स को सामने रख दीजिए और कहिए कि इसके ऊपर एक कानून बना दीजिए हमको, चाहे फार्मिंग को लेकर के हो, एमएसपी को लेकर के हो, मंडी को लेकर के हो। ऐसा नहीं होता है कि किस बातचीत के माध्यम से या कानून के माध्यम से कोई समाधान नहीं निकल सकता है। तो थोड़ा सा उसके लिए तो आगे आइए, केवल वो हस्तक्षमता कर रही है, वो घमंडी है, वो फलाना है, इस तरह के तो आरोप तो देखिए इससे तो कोई समाधान निकलता नहीं। तो सिंपल सी बात, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आखिर समाधान निकलेगा कैसे, ये सवाल लगातार खड़ा रहा है मेरी। जी शुक्ला जी, जी मैं चाहता हूँ अभी जोशी जी ने जो 2 मुद्दे उठाए, मैं उस पर बिल्कुल संक्षिप्त बात कहूंगा जी। कि एमएसपी पे कानून बनने के बाद, एमएसपी एक व्यवस्था है जो किसानों के हित के लिए है। किसानों का जो अनाज होता है समय अनुसार उसका मूल्य जो है बढ़ाया जाता है, तो यदि उस पर कानून बन जाएगा तो वो रेट फिक्स हो जाएगा। क्या ये कानून बनने से, एमएसपी पे कानून बनने से किसानों का लाभ होगा या हानि होगी? क्या हर बार मूल्य बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा? आज तो कम से कम कैबिनेट तय कर देती है, वही जो जो, जो तकनीकी बिंदु है कि हम मूल्य इतना बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने कहा वो ये है कि भाई जोशी जी की तरफ से ये कहा जाए कि भाई कांग्रेस की तरफ से वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप समाधान के लिए बिंदु निर्धारित करेंगे और सरकार जब उन बिंदुओं को नहीं मानेगी तो आपका पक्ष और मजबूत होगा और आप जनता के सामने ये रख सकेंगे कि सरकार हमारी ये बात जो कानून में प्रावधान है उसको नहीं मान रही। तो जी आप मुझे लगता नहीं, बिल्कुल ये शुक्ला जी, ये भी बहुत अहम बात है और खास बात भी, और आपकी अच्छी सलाह भी है। बात यह कि तकनीकी पहलुओं को लेकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ आप देखेंगे लगातार कहीं भी हो, हर कोई अलग अलग बातें कर रहा है, तकनीकी पहलुओं पर चर्चाएं भी नहीं हो रही है, समझाया भी नहीं जा रहा है। शायद यही कारण है कि हर ओर एक भ्रम का माहौल बना हुआ है, और आप देखिए शायद इसी वजह से किसान इतने दिनों से
लगातार सड़कों पर है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बात इतनी सी है कि किसान सड़कों पर है भरी सर्दी के अंदर, आखिर अन्नदाताओं की सुध लेनी चाहिए, और अन्नदाता कहीं का भी हो उस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, और खासकर उनके हितों की बात पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद।